किसानों नूं खेती करन दे विच बहुत सारिया मुश्किलों का सामना करना पैंदा है, पर किसानां लई खेती करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हुण किसान ड्रोन की मदद नाल खेती कर सकणगे, जिस दे नाल उहनां दे कई घंटिआं दा काम मिंटां विच ही हो जाएगा। देखो तुसीं इस रिपोर्ट विच ड्रोन किसान दे खेत विच किस तरीके नाल सहायक सिद्ध हो सकदे हन। जानकारी दिंदे होए कंपनी दे इंजीनियर ने दस्सिआ है कि इस ड्रोन दा 15 किलो भार है अते 10 लीटर तरल खाद एक समय विच लै के उड़ सकदा है ते कई घंटे विच होने वाले फसलों के छिड़का के काम नू कुछ मिनटा विच ही कर सकेगा। डॉक्टर परमार रघुवीर सिंह पी, मैं साइंटिस्ट डिजिटल एग्रीकल्चर फ्रॉम टीएनडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम्स आरएनडी डिपार्टमेंट में हूँ और हम ये आपके लिए लाए हैं एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन। एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन में काफ़ी सारे फायदे हैं, काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे सेंसर बेस्ड ड्रोन स्प्रेयर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 लीटर की कैपेसिटी है, उस 22 इंच के प्रोपेलर्स हैं जो कि बहुत स्टेबल फ्लाइट है, हेक्साकॉप्टर फ्रेम है और आप इसमें जैसे इसका स्प्रेयर का है जैसे ड्रोन के प्रोपेलर के जैसे एयर थ्रस्ट नीचे आती है, हवा का धक्का नीचे लगता है तो उसके वजह से बहुत बारीक ड्रॉपलेट्स बनते हैं जो उसको हेल्पफुल करते हैं। बारीकी से ड्रॉप स्प्रे हर एक कैनोपी में स्प्रे करता है। और क्रॉप की बात करूँ मैं तो अगर अलग अलग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गए हैं जैसे कि गुआवा किन्नू हो गया, जैसे सेब हो गए या फिर गन्ना हो गया या फिर मैंगो हो गया, जहाँ पे किसान भाइयों को स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पहुँच नहीं पाते, इस तरह के जो खेत हैं इस तरह के क्रॉप्स हैं वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन वो एक किफ़ायती और एफिशिएंटली बेनिफिट कर सकता है किसानों के लिए। सेकेंडली हम इसमें चार्ज करेंगे किसान इसको कस्टमाइजिंग बेस पे या रेंट बेसिस पे भी चला के अपना मुनाफा कमा सकता है। और थर्डली इसमें अलग फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आती है, फर्टिलाइजर उसको ग्रेन्यूअल है या लिक्विड है वो भी स्प्रे कर सकते हैं। अलग से इसमें एक कैमरा भी का भी एक प्रोविजन है, आप अगर अलग मॉडल आ रहे हैं कैमरा वाले जैसे थर्मल हो गया, मल्टी स्पेक्ट्रल हो गया, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा हो गया, चाहे आप कोई भी कैमरा लगवा लें उसके हिसाब से आपको ना क्रॉप की हेल्थ की मॉनिटरिंग, मतलब क्रॉप का क्या हेल्थ है कि पानी की लोड है, डिजीज डिटेक्शन आ रहे हैं कि कोई अलग चीज़ है, वो आपको पता चलेगी कहाँ पर कितना हमें ज़्यादा मुनाफा है, यील्ड मिलेगा, वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आप लगा के इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि इसमें कई ड्रोन्स रूल्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि ये जो डीजीसी सर्टिफिकेट अभी एग्जेम्प्टेड मॉडल है, आने वाला टाइम में उसको टाइप सर्टिफिकेट अप्रूवल करा के हम आगे लेके आएंगे लॉन्च। और सेकेंडली जैसे ड्रोन्स रूल्स हैं आते हैं, जैसे कि किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना होगा कि कई ड्रोन्स रूल्स के अंदर ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन हैं, आप ग्रीन जोन में परमिशन है आप कहीं भी उड़ा सकते हैं, हालांकि रेड जोन जैसे बॉर्डर एरिया हो गया, मिलिट्री जोन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इस तरह के इलाकों में आपको ध्यान रखना है कि नहीं उड़ाना, इस तरह के कई सारे ड्रोन्स रूल्स हैं, आपके पास यूएएन नंबर होने चाहिए, इस तरह से चीज़ें हैं वो सब किसान भाइयों को अवेयर रहना चाहिए आगे वाले टाइम के लिए और आप ड्रोन का सख्त पालन करें और इस टेक्नोलॉजी का आप बेनिफिट करें। इसमें 10 लीटर की टैंकी है, ऑल ओवर जैसे आप 10 लीटर उठा भर लें तो आपको 25 केजी का पूरा ओवरऑल वेट हो सकता है और 25 केजी आराम से उठा सकता है। बिल्कुल, इसके पर्टिकुलर इस पर्पज के लिए अगर कोई परचेज करेगा तो उसको किसानों को मैक्सिमम बेनिफिट हो, किस तरह अच्छा स्प्रे हो उसकी ट्रेनिंग, बिल्कुल उड़ाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बैटरी ऑपरेटेड है तो बैटरी आप चार्ज करो और दूसरी बैटरी लगाते रहो, वैसे तो 15 से 20 मिनट बैटरी का फ्लाइंग टाइम है। आपके पास मल्टीपल बैटरी सेट्स हैं तो आप उसको पूरा दिन लगा के स्प्रे कर सकते हो। 7 लाख और उसमें साथ अभी एक बैटरी सेट आता है, एक बैटरी सेट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, वो आने वाले टाइम में ये लॉन्च करेंगे। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 70% फार्मर प्रोड्यूशन ऑर्गेनिक FPO है जिसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इंडिविजुअल फार्मर को 50-40% सब्सिडी मिल रही है, KVKs वगैरह को 100% सब्सिडीज हैं। तो आप किसान भाई जो आसपास के KVK में जो डेमोन्स्ट्रेशन चाह रहे हैं या उसको टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाह रहे हैं अपने आसपास के KVK में भी जाके बेनिफिट ले सकते हैं। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, ये टेक्नोलॉजी आने वाला टाइम ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर के तहत आएगी और केमिकल सेविंग, मोटर सेविंग वगैरह चीज़ें हैं तो किसान भाइयों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि उसकी केमिकल सेव हो रहे हैं, उसकी कॉस्ट सेविंग हो रही है, कम टाइम में उसको स्प्रे मिल रहा है तो रिस्पॉन्स अच्छा है।